मेरे का गोल है चाय पी लो। हेलो गाइस, चाय तो मैं यहाँ मॉर्निंग का शॉट ले रही थी और ये पुलिस वाले भैया देखना, ये कंटिन्यू कैमरे की तरफ ही देखते जाएंगे कि क्या कर रही है। अभी बड़ी सारी है ना ये, बिना नहाए ड्राई क्लीन वाले इंसान नहीं, मैं तो सिर्फ मुंह धो के आई थी, हो गया ड्राई क्लीन अभी थोड़ी सी ऐसे। यहाँ ऐसे कुछ आ रही है, शादी में आए हैं यहाँ। मुझे लग रहा मिठाइयों की ज्यादा शॉप है ना, मिठाई। तो हम घाट पे जाने से पहले शॉपिंग करने चले गए। अभी तो हम ऐसे ही घूम रहे, तो हमें ऐसे लड़कियां हमेशा कपड़े क्यों ढूंढती है, कोशिश ही कर रहे हैं, बहुत टाइम से करते हैं। कर रहे हैं चाय, दोनों एक जैसे हो रहे हैं। मुझे तो ना ऐसे वाले ड्रेस में ना ऐसे करने में मजे आते हैं, है गुनू भाई साहब? मुझे ऐसे वाले ड्रेस में ना ऐसे करने में मजे आता है। मैं भी मोनी के जैसे, मुझे पसंद है। जेलिस फील लगता है क्या? ड्रेस का मुझे पता नहीं, पर कलर अच्छा लग रहा है। तो ये टी शर्ट मेरी, इसमें डिफरेंट होगा ही ना। तो ये है हमारी दूसरी चाय। तो ये है कुशाल, और बड़ा ही अमेजिंग बंदा है, और इसकी शॉप है पुष्कर में, घाट के पास में ही है। इसके जस्ट सामने एक रेनबो रेस्टोरेंट है, और मोहन जी कचौरी वाला, वहाँ बहुत फेमस है, उसकी बहुत अच्छी कचौरी समोसे हैं। इसके जस्ट पास में इसकी शॉप है, जब भी जाए कोई पुष्कर तो यहाँ ज़रूर जाके आए, बहुत ही नाइस बंदा है। चाय फिनिश हो गई और मैं वेट कर रही हूँ दूसरी चाय का। तो मैंने एक चाय फिनिश कर ली, दूसरी चाय लवर इनको दे दो। तो ये बाबा जी वहाँ कुछ मांग रहे थे, मैंने इनसे बोला चाय पीनी है, तो इन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा दूध पी लीजिए, तो इन्होंने दूध के लिए हाँ कर दिया, और बड़े सुकून से अपना दूध पी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। रील्स पूरी हो गई ना आपकी, तो खा लो इसको। स्टोरी जो कमा के खा सकता है उसके लिए कुछ भी मत करो, जो एज्ड है या जो कमा के कुछ वर्क करके नहीं खा सकते उनके लिए हमेशा कुछ थोड़ा ही सही, पर थोड़ा बहुत करना चाहिए। इतना सुकून मिलता है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है दुनिया की, आप किसी भी पैसे से वो नहीं खरीद सकते हो जो इनसे खरीद सकते हो, इतनी छोटी सी चीज़ों से बस। क्रिप्टो में हो गया? नहीं नहीं, मैं तो दूर ही रहता हूँ जब से बताया। अच्छा लग रहा है, मुझे भी देखने में अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे, चलो गाइस, गाइस चलो। तो हमारी शॉपिंग होगी पूरी, अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे। क्या नाम है इसका? गौ घाट। मैं यहाँ चप्पल की सिक्योरिटी कर रही हूँ, क्योंकि हम चाहूँगा तो बहुत महंगी महंगी चप्पलें पहन के आए हैं यहाँ पे, एक बंदे को ही सिक्योरिटी के लिए रहना पड़ेगा। वीडियो बना दिया आपने? मैं फोटो का निकाल के दे दे। कैसा फील हुआ? लीफ लग रहा है। जान में जान आई, हम यहाँ देखो बैठे बैठे छुड़िया ढूंढ रहे थे हमारे ट्रिप पुष्कर का ट्रिप। यार मैं ना पता है इतनी देर से पानी में हाथ डाल कर के कचरे धीरे धीरे रख रही हूँ, वो पता यही, वो पता यहीं पे गिरी थी, कहीं नहीं गिरी वाली सिटी पे। अभी तो गुन्नू भाई साहब की बिछक हो गई थी, इन्होंने ढूंढी है,
उसको अभी कैश हम लाए नहीं थे, उसको फोन पे करवा रहे हैं। और उन वाले भैया ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी, फाइनली बिछिया हो गई थी। हाँ है दोनों बिछिया, पहन रखी मेरे तो खुद को ना जीव बाहर आ गया, मैं ले अब बाहर निकल जाता। नहीं इनके मामा वैसे ध्यान रखना, ये इनकी गलती है पता, मैं इनको पहले ही बोली थी गोल्ड निकाल के जाना, मैंने पता चेन वन सब नहीं आ रही, तो फिर मुझे ना मेरा आर्टिफिशियल वाले मिले नहीं, तो मैं इसीलिए ये वाले पहन के आ गई। तो मैं वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूँ भावना सिंह भाटी, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो मैं अभी जस्ट सिर्फ नहा के आई हूँ, कुछ भी अभी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मेरा सर हेड वॉश करके आई हूँ। अभी अभी तो क्या सुबह सुबह ही हम लोग बिना नहाए धोए चले गए थे नॉर्मल जैसे ऐसे देखने के लिए, लेकिन हम फिर घाट पे चले गए तो ऑब्वियसली कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हमने सोचा कि फिर अब स्नान करके ही चले जाते हैं, मतलब डुबकी लगा के ही चले जाते हैं। अभी धूप आ रही है पीछे से, तो थोड़ा फोकस सही नहीं आ रहा होगा। तो बस मैं अभी थोड़ा धूप लेने आई थी और ब्लॉग एडिट करके अपलोड करने के लिए, अपलोड तो मैं नाइट में करूँगी, तो उसको थोड़ा एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, तो बस उसके लिए मैं ऊपर छत पे आ गई थी। और वो लोग पीछे से धूप ले रही हूँ, लेकिन अच्छी लग रही है, सुहा रही है, क्योंकि मेरा सर अभी भूख से फट रहा है। और अभी टाइम बज रहे हैं 3 बज गए हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है। ये मैं थोड़ी धूप ले लेती हूँ और ब्लॉग अपलोड करके ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, तो बने रहिए ब्लॉग में। सो बस अभी हम तैयार होके, वहाँ पीछे कपड़े सूख रहे हैं, सो बस अभी मैं रेडी होके ब्लॉग एडिट करके और अपलोड तो मैं नाइट में करूँगी, और उसके बाद में हम रेडी होके जाएंगे ब्रह्मा जी के मंदिर में। और भैया ने बोला था कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, तो वो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए ब्लॉग में, झूले आपने देख लिए होंगे, हमने कल भी लिए, हम आज फिर लेंगे, आज थोड़े हम जल्दी जाएंगे, कल हम लेट गए थे 10:30-11:30 बजे गए थे, पब्लिक नहीं थी, तो झूलों का असली ज़्यादा मज़ा तब आता है जब भीड़ होती है, लोगों के रिएक्शन देख के और ज़्यादा हंसी आती है, तो वो जाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो बस हम लोग रेडी होके निकल गए हैं, पहले कुछ नाश्ता या कुछ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद में ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे। तो वो लोग गए हैं किसी काम से, तो मैं आई इनको बोला मुझे गरम गरम कुछ फ्रेश बना दो, भैया ने मुझे पकौड़ी इतनी अच्छी बना के दी और मैं वेट नहीं कर पाई, और मैंने उनका शॉट भी नहीं लिया था, मैंने उससे पहले फिनिश कर दी, बाद में मुझे ध्यान आया कि शॉट भी लेना था, बट खैर चाय पी के वो लोग अभी तक नहीं आए, तो मैं यहाँ स्टॉल में आ गई। तो मैं अभी हूँ उसके अंदर, बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। सो मैं अभी हूँ जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के वो जो लगे हुए हैं कॉर्नर लगे हुए हैं, कहीं दाल बाटी मिल रही है, कहीं नमकीन, कहीं फास्ट फूड, कहीं पानी पताशे, या फिर कहीं बहुत सारी चीज़ें हैंडक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। सो मैंने कर ली पेट पूजा, क्योंकि मेरा फट रहा था बहुत तेज़ सर दर्द, अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि खैर दवाई तो मुझे थोड़ी लेनी ही पड़ेगी, खैर दवाई अभी बस वो लोग आ जाए, उसके बाद में ब्रह्मा जी के मंदिर चलते हैं। मंदिर जा ही रही थी कि बाबा जी ने रोक लिया, बोला हमें चाय पिला दो, तो यार चाय के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। इतनी सारी ब्लेसिंग, थैंक यू महादेव इस लाइक बनाए कि हम ये ब्लेसिंग कमा सकते हैं। तो अब जा रहे हैं हम ब्रह्मा जी के मंदिर में, वहाँ वीडियो नहीं बनाने देते। तो जब भी मैं मंदिर जैसी जगहों पे जाती हूँ, तो मैं वहाँ से हमेशा सिंदूर लेके आती हूँ, खुद के लिए भी और बांटने के लिए भी, क्योंकि मम्मी ने मुझे हमेशा बोला है कि
सुहाग की चीज़ें हमेशा बांटनी चाहिए, इससे आपका सुहाग और फलता फूलता है। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं सिंदूर तो जरूर लेके आती हूँ। तो बस फ्रेंड्स ये देखो हमारा एक गोला गोला चूस रहा है हमारे लिए बन रहा है सोडा। ये नहीं खा रही क्या आकांक्षा? क्यों उन भैया ने तो बोला कि मुझे जुकाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, खाते नहीं है। टेस्ट तो मस्त है, बस ये कुछ धागे से आए इसमें। यस ये वही ना बात, तभी तो थमे, तभी तो जीते सीना ठोक के। सही बात है भैया। कैसा लगा आपको? मस्त था। मैं कल से ढूंढ रही हूँ अच्छा छोटा। अच्छा कल से? एक सिप दे रहा हूँ। मैंने तो नहीं देखा कल से, हम इधर आ गए हैं ना। अच्छा थे बस मैं कुछ वो आ रहे हैं सूट के साथ। तो वहाँ से थोड़ा सा डांस देखने के बाद आगे हम वहीं पे जहाँ हमने झूले लिए थे, तो आज फिर से है झूलों का टाइम। चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान
हाँ सही है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।